अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे घर पर बनने वाला झटपट मटर पनीर पुलाव। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 250 ग्राम पनीर, एक पैकेट मटर, आधा किलो दही का पैकेट, क्रिस्प ज़रूरत मिर्चा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बासमती राइस, और इंस्टेंट का बिरयानी मसाला, और 3 तेज़ पत्ते, लहसुन अदरक का पेस्ट, डालडा घी, आप देसी घी भी डाल सकते। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने 3 टीस्पून बिरयानी मसाला डाला है। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में मैंने 250 ग्राम के करीब रिफाइंड तेल डाला है। जब रिफाइंड तेल गर्म हो जाए तब मैं इसमें 2 तेज़ पत्ता डालूँगी। जब तेज़ पत्ता कड़कड़ाने लगे तो मैंने प्याज रफली चॉप कर ली है। अब मैं इसको डाल के अच्छे से भूनूंगी, आप देखो जब तक कि इसका कलर ना बदल जाए। जब प्याज अपना रंग बदलने लगे, हल्की गोल्डन दिखे, तब इसमें कटी हुई मैंने हरी मिर्चा डाल दी है। आप देख सकते हो अब इसमें मैंने हरी मिर्चा डाल दी है, ताकि हरी मिर्चा आप जितना तीखा खाते हो आप उस हिसाब से डालना। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और बिरयानी मसाला जो डाला था उसको अच्छे से डालकर बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी। जब तक भूनती रहूंगी जब तक कि ये मसाला अपनी रंगत ना छोड़ने लगे। दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अगर ऐसे दही डालेंगे तो मसाला फटने का डर रहता है। अब फटे हुए दही को मसाले में डाल दूंगी। दही डालने के बाद जो मैंने फ्रोजन मटर ली थी उस पैकेट को खोलूंगी। फ्रोज़न मटर को खोलकर मैं अपने कुकर के मसाले में इसको डाल दूंगी। फिर दही के साथ बहुत अच्छी तरीके से इन मसालों को एक साथ करके बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक कि आपका तेल कुकर के ऊपर तैरने ना लगे। अब आप देख सकते हो कि मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया है, तेल एकदम ऊपर बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। इसी टाइम मेरे मटर भी अच्छे खासे गल गए होंगे, बाकी जब मैं सीटी लगाऊंगी तो उस टाइम गल जाएंगे। अब जो मैंने बासमती राइस लिए थे उसको मैंने अच्छे से धोकर मसालों में डाल दिया है। मसालों में डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से चलाया जाएगा ताकि पूरी बिरयानी के उसमें मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आप देख रहे हो कि मैं बहुत अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके मिला रही हूँ ताकि एक एक दाने में मसाला चला जाए। अब मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया, इतना कि आपकी एक पोर अच्छी तरीके से भीग जाए। उसके बाद मैंने जो पनीर लिया था उसको काट के डाल लिया है। इस टाइम एक टिप्स है, अगर आप लोग को तली हुई पनीर पसंद है तो आप तली हुई पनीर भी इस टाइम डाल सकते हो पहले से मसाले में, तो और अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे घर के लोगों को ऐसी पनीर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ऐसे डाली है। आप चाहो तो तल कर भी डाल सकते हो। नमक हिस्ब ज़रूरत डाल लीजिएगा, डालने के बाद चख लीजिएगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कुकर की सीटी लगा लीजिएगा, तो कुकर फिर एकदम धीमी आंच पर रख दीजिएगा 2-3 मिनट के बाद। फिर आप जब दम निकल जाए तो आप देखिएगा आपकी बिरयानी बहुत अच्छी तरीके से पक में। आप ऊपर से 1 टेबल स्पून डालडा घी डाल दीजिएगा, अगर देसी घी पसंद हो तो देसी घी डाल दीजिएगा, और अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद इसमें ऑरेंज कलर जो कि बिरयानी वाला होता है वो 1 चुटकी डाल दीजिएगा। डालने के बाद इसको कुकर को रख दीजिएगा, आपकी बिरयानी बहुत ही लजीज 5 मिनट में बनकर तैयार। चलिए आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। प्लेट में निकाल के उस पर तली हुई प्याज डालिए, भूनी कर रहा है। सब्सक्राइब टू माय चैनल।